ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। आज मैं क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर फर्स्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? आंसर इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वेस्ट एंड वाटर थ्रू आउट आर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट द मटेरियल्स दैट आर कैरीड बाय द ब्लड। ऐसे मटेरियल की हमें लिस्ट प्रिपेयर करना है जो ब्लड द्वारा कैरी किए जाते हैं। ऑल राइट, आंसर ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को, डाइजेस्टेड फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट गैस होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी को कैरी करने का वर्क करता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द टू मेन वेन्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में जो दो मेन वेन्स होती हैं उनके नाम क्या हैं? आंसर सुपीरियर वेने केवा एंड इन्फीरियर वेने केवा। ओके, तो सुपीरियर वेने केवा और इन्फीरियर वेने केवा, ये हमारी बॉडी में टू मेन वेन्स होती हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ कैन वी फील आर पल्स? हम हमारी पल्स को कैसे फील कर सकते हैं? आंसर इज वी कैन फील आर पल्स बाय पुटिंग टू फिंगर्स ऑफ वन हैंड ऑन द रिस्ट ऑफ द अदर हैंड। ऑल राइट, तो हम हमारी पल्स को कैसे फील कर सकते हैं? हमारे किसी एक हाथ की टू फिंगर्स को किसी दूसरे हाथ की रिस्ट पे, ओके, रिस्ट मीन्स कलाई के ऊपर रख के पल्स को फील कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई शुड वी एक्सरसाइज रेगुलरली? हमें रेगुलर एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? आंसर इज वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प्स टू कीप द हार्ट हेल्दी एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। हमें रेगुलर एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में उसे भी वो इम्प्रूव करती है। गॉट इट। आंसर दीज क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का क्या फंक्शन है? द हार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस कंटिन्यूसली टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। ओके, तो आंसर क्या है हमारा? हमारा जो हार्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन होता है और ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग। और ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का वर्क करता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर टू, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। गॉट इट। वेन्स, वेन्स इसका ऑपोजिट वर्क करती है।
Veins carry blood from the different parts of the body to heart. Veins जो हैं वो blood को carry करती हैं body के different parts से कहाँ पर? Heart की तरफ. Alright. Next, arteries. They have thick walls. Arteries जो होती हैं उनकी wall कैसी होती है? Thick. It means मोटी होती है. Got it? Veins, they have thin walls. Veins की जो walls होती है वो thin, पतली होती है. Okay? Next, arteries. Valves are absent in arteries. Arteries में valves absent होते हैं. Okay? Veins, valves are present in veins. Veins में valves present होते हैं. Okay? Veins में valves इसलिए present होते हैं जिससे कि वो blood के backward flow को रोक सके. Okay? Next question is, question number 3. Describe how blood flows throughout our body. हमारी पूरी body में blood कैसे flow होता है? Okay? Answer. Veins bring blood to the heart from all parts of our body. Veins जो हैं वो body के सभी parts से blood को carry करके कहाँ लेकर आती हैं? To the heart, heart में. Okay? This blood contains carbon dioxide. इस blood में क्या present होती है? Carbon dioxide, जो कि एक waste gas है. Alright? The heart then pumps this blood into the lungs. उसके बाद heart इस blood को pump करता है और ये blood कहाँ जाता है? Lungs में जाता है. Okay? In the lungs, the carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed. Lungs में carbon dioxide remove की जाती है और oxygen को absorb किया जाता है. This oxygen rich blood then comes back to the heart. और इस blood में जिसमें oxygen ज़्यादा है वो फिर से कहाँ आता है? Heart में आता है. The heart pumps this blood to all parts of our body through the arteries. उसके बाद heart फिर से इस blood को pump करता है body के सभी parts में. ओके और ये किसके थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द हार्ट बीट? हाउ डू डॉक्टर्स लिसन टू द हार्ट बीट्स? ओके आंसर इज द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल प्रोड्यूसेस अ साउंड और बीट. It is called heartbeat. Okay? हमारा जो heart होता है वो एक muscular organ है और वो continuously contract होता है और relax होता है जिसकी वजह से एक sound produce होता है ना? और इस sound को हम क्या कहते हैं? Heartbeat. Okay? The heart of a healthy person beats about 70 times in a minute. किसी भी हेल्दी पर्सन का जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है. गॉट इट? अब हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है? डॉक्टर्स यूज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू हार्ट बीट्स. हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई इज योगा गुड फॉर आर हार्ट? हमारे हार्ट के लिए योगा अच्छा क्यों है? ओके आंसर इज योगा आसनास हेल्प टू मेक द हार्ट हेल्दियर एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. योगा योगासन जिसे हम कहते हैं वो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है. Got it?